खास आपके लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पर, बहुत मजेदार होने वाला है ये आपका सेशन, क्योंकि इसमें कुछ हम खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपको मालूम होगा, आपने थंबनेल देखा होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो एग्रीकल्चर है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से कुछ खास इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। तो क्या है वो खास इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हम यहाँ पर आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो खास इन्फॉर्मेशन ये है कि वहां पर कुछ क्या है, कुछ वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। वो कौन सी वैकेंसी है, कैसी वैकेंसी है, क्या क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो पूरी डिटेल डिस्कशन है या पूरी जो डिटेल नॉलेज है, उसके बारे में हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या डिस्कशन इसमें होने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट्स आपके रहने वाले हैं, जो आपके क्या होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो क्लास हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या खास जानकारी यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो जानकारी देने वाला हूँ, वो जानकारी क्या है आपकी, उस जानकारी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग कुछ जानकारी करते हैं। देखो, लिखा है कि शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर शालीमार श्रीनगर, ये आपकी श्रीनगर में है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी, आपको मालूम है। तो वहाँ से कुछ वैकेंसी, कह रहा एडवर्टीजमेंट नोटिस नोटिफिकेशन ऑफ 2 ऑफ 2022, डेट 6/5/2022, यानी कि 6 तारीख को नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है, जिसमें उन्होंने कुछ वैकेंसीज की बात की है, कुछ वैकेंसी को बताया है कि हमारे यहाँ पर कुछ वैकेंसी रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब में अब हम बात करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं और एग्रीकल्चर वालों के लिए कौन सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। ठीक है, फिर ये भी देखेंगे कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बाकी सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले। तो देखते हैं, इसमें जो आपकी वैकेंसीज निकली हैं, वो सबसे पहले निकली है आपकी मेडिकल ऑफिसर की, 2 वैकेंसी है, हालांकि इसमें एमबीबीएस की डिग्री मांगी गई है, वो आपके काम की नहीं है। उसके बाद दूसरी है जूनियर इंजीनियर सिविल की, इसकी 1 वैकेंसी है, ये सिविल इंजीनियर वालों के लिए है, हालांकि ये भी आपके काम की नहीं है। तो हमारे जो काम की है उसकी हम बात करते हैं। अकाउंट असिस्टेंट की है, इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है, यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अकाउंट असिस्टेंट की जो है उसमें आपकी 16 वैकेंसी है, ग्रेजुएट जो है बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं, ये खासकर आप लोग अगर चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। हम बात करेंगे, इसमें कुछ ड्राफ्ट मैन की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, और उसके बाद जो हमारे काम की वैकेंसी है अब वो यहां पर आने वाली, स्टेनोग्राफर की कुछ वैकेंसी है, 4 वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है, तो इसमें भी आप ग्रेजुएट वाले जो है और साथ ही साथ जिनके पास शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने लिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर की वैकेंसीज हैं उनके लिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा नंबर है, 2 सेगमेंट में आपकी है, दोनों वैकेंसीज यहां पर हैं। तो देखते हैं, एक है आपकी लाइव स्टॉक वेटनरी असिस्टेंट की, जिसमें से 5200 से 20200 और प्लस ग्रेड पे आप 1900 का यहाँ पर वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 20 वैकेंसी आपकी है, किसकी, लाइव स्टॉक वेटनरी असिस्टेंट की। कितनी है बच्चे, 20 वैकेंसी है। इसमें अलग अलग क्लासिफाई किया गया, जर्नल की 2, एससी की 2, एसटी की 2, पीबीए, पीएसपी, ये जम्मू कश्मीर का अपना क्राइटेरिया है वहां पे आरक्षण का, उसके हिसाब से उन्होंने बांट रखा है। ठीक है, चलिए, इसमें मांगा क्या है, करा पार्ट 1 10+2 साइंस ग्रुप विद 50% मार्क्स रिलैक्सेबल टू 40% इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स, करा प्रेफरेबली विद 1 ईयर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री इंस्टीट्यूट, यानी कि जो बच्चे वेटनरी या एनिमल हस्बेंड्री का जिनके पास डिप्लोमा है 1 साल का, वो एलिजिबल है अगर 10+2 उनका साइंस ग्रुप से है। अच्छी खासी वैकेंसी है। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जिसमें फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, ये आपकी वैकेंसी बहुत अच्छी होने वाली है, 70 वैकेंसी आपकी है। कितनी है, 70 है, और जर्नल के लिए 35, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 7, पीबीए के लिए 7 और पीएसए, ये जम्मू कश्मीर का अपना अलग क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, तो उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या एसेंशियल है, क्या उन्होंने मांगा है, देखो, कह रहा है कि 10+2 साइंस ग्रुप
विद 50% मार्क्स रिलैक्सेबल टू 40% इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, जनरल के लिए 50%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स, प्रेफरेबली विद अ वन ईयर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और अलाइड फील्ड्स। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने बीएससी भी साथ में लिखा है, इसको भी ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो इनका क्या हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या उससे जो अलाइड सेक्टर हैं वो भी आपके क्या हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे हम इसी में बात करते हैं बीएससी की, जो बता रहा है कि बीएससी कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से अलाइड सेक्टर वाले जो हैं उनके लिए कह रहा है बीएससी, यहां पर लिखा है फिर आगे क्लियर क्या है, कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, होम साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड अदर प्रोफेशनल फील्ड्स और विद मास्टर्स डिग्री इन ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट। कह रहा है कि बीएससी वाले तो एलिजिबल हैं ही, और साथ ही साथ अगर आपने एमएससी भी कर रखी है तो आप भी एलिजिबल हो। तो आप हायर डिग्री के लिए तो एलिजिबिलिटी का कोई मैटर ही नहीं होता है, मिनिमम के लिए होता है कि मिनिमम क्या आपके साथ होना चाहिए। तो ये यहां पर इन्होंने बताया है कि कितनी पोस्टें हैं, 70 पोस्टें हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि फॉर्म की डेट क्या है। ठीक है, और चलिए ये असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, ये इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, ये आपके लिए काम की नहीं है, हालांकि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, अगर वो चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा नंबर है, 40 वैकेंसी आपकी यहाँ पर है, और इलेक्ट्रीशियन की आपकी 3 वैकेंसी है। देखो अब फॉर्म की डेट की क्या है, फॉर्म आपका जो भरा जाएगा वो 12 तारीख से, यानी कि 12 मई से आपका स्टार्ट होगा। कब से? 12 मई 2022 से स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है आपकी 2 जून। कौन सी? 2 जून आपकी लास्ट डेट है, वो भी कब? रात 11:30-12 बजे तक। क्लियर है। चलिए फीस की बात कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए ₹1,000। ठीक है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ₹700, और कह रहा है फी कैन बी पेड ओनली थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए ₹1,000 का, और आपका ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका ₹700 का फॉर्म होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि एज लिमिट की। तो एज लिमिट में आपका मिनिमम जो है वो आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए। क्या? 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपका 40 साल। उसके बाद कुछ रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, तो 43 ईयर, 42 ईयर, 40 ईयर और 40 ईयर, यानी कि एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए 48 ईयर तक है। बाकी अगर जैसे इन सर्विस कैंडिडेट है उसके लिए अलग है, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन आपका दिया गया है। लेकिन जो नॉर्मल की बात करें तो 18 से 40 वर्ष आपका यहाँ पर होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात सबसे आती है कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, मुद्दा यहाँ पर उठता है। ठीक है, चलिए क्या शेरे कश्मीर की वेबसाइट है, वहाँ वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, सारी चीज़ों का आपको फिल करना है। तो अब बात ये आती है कि कौन लोग हैं जो इनको अप्लाई कर सकते हैं। मुद्दे की बात ये है, यहाँ पर कह रहा है कि However, advance copy may be submitted through online mode by before the last date prescribed in the advertisement. कह रहा है कि आपको कैसा करना है, ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कहाँ से? शेरे कश्मीर की वेबसाइट पर जाके। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे खास बात कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ही शायद लिखा है, मैंने बहुत जब इसको पढ़ा तब मुझे मिला कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है ऑनलाइन अप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आर इन्वाइटेड फ्रॉम द डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। क्या कह रहा है? डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट। तो सबसे बड़ी एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि इन्होंने सिर्फ किसके लिए, जो जम्मू कश्मीर के या यूटी है, आपको मालूम है यूनियन टेरिटरीज बन गया है, तो जो डोमिसाइल जिनके पास कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, उनके लिए ये आपका फॉर्म रहने वाला है। ठीक है, या जो बच्चे जहाँ पर शेरे कश्मीर में है पढ़ रहे हैं उनके लिए आपका ये काफ़ी ठीक होने वाला है। ठीक है, तो ये जो डोमिसाइल है जिनके पास कहाँ का, यूटी का, जम्मू कश्मीर यूटी का, वो लोग इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ चैनल पर जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक काफ़ी अच्छा खासा नंबर है, और उसके लिए आप यहाँ पर
चलिए, क्या उसके लिए यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए अच्छी सी जॉब पा सकते हैं। हालांकि एक अच्छा मौका है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, फिर तो कोई मतलब नहीं है सर, अगर आप जम्मू कश्मीर से नहीं है बच्चे तो फिर हाँ, तो फिर आपके लिए इसमें कोई मतलब नहीं होने वाला है। चलिए, तो ये थी हमारी नोटिफिकेशन जिसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं। चलिए, जैसे ही कोई और नोटिफिकेशन आएगा, हम हर सारे नोटिफिकेशन को अब धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों में अवेयरनेस रहे, पता चलता रहे कि कहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। हालांकि इस बात से आप लोग परेशान मत होया करिए कि ये हमारे मतलब की नहीं है, इससे एटलीस्ट आपको पता चलता है कि कहाँ पर वैकेंसी आई है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए होने वाली। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर के बहुत सारे बैचेस हम लोग चला रखे हैं, ठीक है, जिसमें से आपको मालूम होगा कि हमने काफ़ी सारे बैच भी चला रखे हैं, जिसमें से आपको मालूम है कि IBPS SO का भी बैच चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि लद्दाख से हूँ सर, हाँ, तो आपके लिए हो सकता है, आप इस पर जरूर डालिएगा, लद्दाख वाले बच्चे डाल सकते हैं अगर आपका एरिया जम्मू कश्मीर वाले दिवस में आता होगा तो फिर शायद आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज, बहुत सारे एग्रीकल्चर के कोर्सेज आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारी तैयारी चल रही है। IRI के असिस्टेंट की जॉब भी आई है, तो जरूरी नहीं कि उसमें एग्रीकल्चर वाले नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर के हैं, ग्रेजुएट हैं, तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर मेहनत करते रहें, और यहाँ पर एग्रीकल्चर की बहुत सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। तो देखो, ICR का है, IFCO का आपका पेपर होने वाला है, IFCO के लिए हम लोग बराबर क्लासेस भी चला रहे हैं, आपने अगर देखी होंगी क्लासेस तो हम लोग वहाँ पर क्लासेस चलाते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक क्लासेस बराबर चलती हैं, ठीक है। FSSAI का CBT2 है, ASRB आपका है, IBPS SO AFO का है आपका, और NABARD का है, और अभी आपको मालूम है कि FCI का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो FCI की भी तैयारी बहुत जल्द, जैसे ही कुछ बड़ा नोटिफिकेशन आता है वैसे ही आपकी तैयारी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जैसे ICR का बैच है आपका, यानी कि ये आपका ICR का बैच है, इसमें आपको कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बैच परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, अभी इस पर ऑफ चल रहा है। तो इसमें आपको दो फायदे हैं, आप मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे तो आप IBPS सर महापैक में BSc क्लासेस भी होगा क्या, BSc का क्लासेस नहीं होगा, लेकिन आपका जो भी फाउंडेशन रहता है, बेसिक जो रहता है, वो सारा आपको मिलेगा महापैक में। क्या मिलेगा? वो सारी चीजें आपको वहां पर महापैक में मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप महापैक चाहते हैं तो महापैक में आपको दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा क्या होता है कि महापैक में आपको सारा बेसिक मिलेगा, यानी कि जितने आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको वहां पर मिलेंगे। दूसरा फायदा क्या होता है कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको उसमें तैयारी करने का सीधे मौका मिलता है, यानी कि आपको बिना बैच परचेस किए ही उसी महापैक पर ही एक्सेस मिलता है अगर आपके पास वैलिडिटी है। यानी कि जैसे आपने 2 साल की वैलिडिटी के लिए लिया तो यहां पर आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसका 2 साल तक पूरा फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हालांकि कोड इसमें नहीं लग रहा है, तो आपको कोड क्या इस्तेमाल करना है, कोड आपको Y443A, क्या, चलिए, कौन सा Y443A कोड का इस्तेमाल करना है। ये Y443A जो कूपन कोड है, आपको हर कोड पर, किस पे, आप कुछ भी परचेज करें Adda247 मोबाइल ऐप से या फिर Adda247 के वेबसाइट से जाके आप कुछ भी परचेज करेंगे, ये कूपन कोड आपको उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलाएगा, दिलाएगा, क्या करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको ये दिलाएगा, आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं महापैक की, किसकी, महापैक की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये आपके आल कोर्स है, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ आप जैसे IFCO को खोलते हैं, तो चलो यहाँ पर महापैक आपको दिखा देते हैं, ठीक है। महापैक में क्या है, महापैक में अब तो हालांकि डबल वैलिडिटी ऑफर खत्म हो गया है, अभी तक इसमें डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा था, लेकिन प्राइस अभी भी इसका क्या है, प्राइस कम है, और जितना आपको दिख रहा है हालांकि उतने प्राइस पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये आपको 5500 के आसपास आपको पड़ने वाला है, ठीक है, डिस्काउंट के बाद, किस कूपन कोड के बाद, जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे Y443A कूपन कोड, कौन सा Y443A कूपन कोड लगाएंगे तो ये आपको सस्ता पड़ने वाला है। हालांकि कीबोर्ड अभी काम नहीं कर रहा है इसका बच्चे, इस वजह से ये अभी चल नहीं रहा, नहीं तो मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा देता,
ठीक है, तो आपको क्या कूपन कोड लगाना, आप कुछ भी परचेज करें अड्डा 24/7 मोबाइल ऐप से या फिर आप वेबसाइट से कुछ भी परचेज करेंगे, आपको उसमें हर उस डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं किसी भी चीज की, तो आप एस कोड का इस्तेमाल करें, किसका, Y443 एस कोड का, ठीक है। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, आपको ऑनलाइन मौका मिलता है, तो ऑनलाइन में आपको देखो बहुत सारी चीजें फायदा मिलने वाली है, क्या कि आप अगर क्लास नहीं जा पाते हैं, आप साइड में नौकरी कर रहे हैं या फिर आप अपना पढ़ रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, आपको समय नहीं मिलता है, तो आप ऑनलाइन में जब भी आपके पास समय होगा तब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से रहती हैं, ठीक है। तो ये थी आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया इस शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ पर जो वैकेंसीज थी, बाकी हमने आपको बताया कि कौन कौन से बैचेस जो ऑलरेडी चल रहे हैं। IBPS SO का आपको मालूम है कि नया बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, IARI की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, IARI का बैच आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि IARI का इससे पहले T1 का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आने वाला है और नई वैकेंसी फिर आ गई है, तो एग्जाम बहुत जल्द इसका भी होने वाला है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं जी जान से लग जाएं और आराम से तैयारी करें। तो जो लोग बैच परचेज करना चाहते हैं, क्या कूपन कोड है, Y443 का इस्तेमाल करके आप बैच को परचेज कर सकते हैं।